सो हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग व्हाट इज मैट्रिक्स। सो यार, आज के इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन फिर से एक नई चीज़ के बीच। आज करने वाले कंपैरिजन बोट रॉकर्स और मेवी के बीच में। यार देखो, ये दोनों ब्रांड बहुत बड़े हैं और इन दोनों ब्रांड के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो सोचा मैंने कि आज चलो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखा जाए कि कौन है ज़्यादा बेहतर, मेवी थंडर बीट्स वर्सेस बोट रॉकर्स। सो यार, इन दोनों के बीच में आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन। तो चलिए यार, वीडियो को शुरू करते हैं। और बता दूँ कि इस वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव है, बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ आप लोगों को दिखाने को। तो यार देखो इस वीडियो को लास्ट तक और इन्जॉय करो उस वीडियो को। आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि भाई साहब ये मेवी की थंडर बीट्स लें या फिर बोट रॉकर्स लें, तो आप इन दोनों में से कोई प्रोडक्ट अच्छे से चूज़ कर सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, मेवी थंडर बीट्स वर्सेस बोट रॉकर्स 255 के बीच में जो कंपैरिजन करने वाले हैं, तो पहले बात कर लेते हैं मेवी थंडर बीट्स के बारे में। ब्रांड की बात कर लें तो मेवी की जो थंडर बीट्स है वो मेवी ब्रांड की, क्योंकि इसके आगे मेवी लिखा हुआ है, तो इस कारण से भी ये मेवी ब्रांड की। और आप लोगों को पता चल गया हो कि ये मेवी ब्रांड की ही होगी। मॉडल की बात कर लें तो ये BE5TB5G, जो कि बहुत बढ़िया वाला नाम है इसका, 5G, बट ये 5G नहीं है। कलर में बात कर ले तो इसमें बहुत सारे कलर आपको मिलते हैं। इसमें एटलीस्ट आपको चार कलर मिलते हैं, जिसमें कि मेटल, रेड, ब्लू, ग्रीन, यही सब कलर आपको इसमें मिलते हैं। बस चार ही कलर हैं और ज़्यादा इसमें कलर है नहीं। बात कर लें कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलती है, जो कि काफ़ी फास्ट है और दूर रेंज के लिए काफ़ी सही होती है। मतलब आप इसे पहन के काफ़ी दूर भी जा सकते हो और ये आपको कनेक्टिव रहती है, वो कनेक्टिव रहेगी आपके फ़ोन के साथ में। और आगे बढ़ जाएंगे तो आते हैं इसकी बैटरी पे, जो कि बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट रखती है ब्लूटूथ ईयरफोन के लिए, जो कि हमें चाहिए होती है। हमें बहुत ज़्यादा काम करना होता है, हमें म्यूज़िक सुनना होता है, हमें मूवीज़ देखनी होती है, तो हमें बैटरी बैकअप इसमें चाहिए ही चाहिए होती है। तो यार, इसमें आपको बैटरी बैकअप मिलती है 120 AAH की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। वैसे ही वैसे MAH, जो कि काफ़ी बढ़िया और बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप इसमें आपको देखने को मिलता है। और आप इसमें जो बहुत बढ़िया वाला बैटरी बैकअप आप, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 घंटे तक चल जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, 7 घंटे तक ही चलती है। आपको बस 2 घंटे चार्ज करने पड़ेंगे इसको और इसके बाद ये आपको चल जाएगी 7 घंटे के आसपास में। अब आते हैं गाइस इसके कुछ फीचर्स, फीचर्स के बारे में भी कुछ बात कर ली जाए इसके बारे में। तो इसमें नॉइस कैंसिलेशन प्लस मैग्नेटिक ईयरबड, जो कि आजकल हर एक ईयरफोन में मिलता है, ब्लूटूथ ईयरफोन में आपको मिल जाएगी नॉइस कैंसिलेशन और एक मैग्नेटिक ईयरबड। और इसमें एक और चीज़ है जो कि है IPX5 और इसमें स्वीट, जो कि मुझे नहीं पता ये क्या होता है, बट यार जो भी होता है कुछ अच्छा ही होता होगा। तो यार आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने बोट रॉकर्स पे। हमने बात कर ली मीवी की, मीवी थंडर बीट्स के बारे में हमने बात कर ली है, आते हैं अपने बोट रॉकर्स 255, जो कि अपनी सेगमेंट की बढ़िया वाली ईयरफोन मानी जाती है। तो यार इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इसका ब्रांड भी बोट रॉकर्स है, तो ये भी बोट का ही है, जो कि हर एक को पता होता है कि भाई साहब ये भी बोट का ही होगा, क्योंकि इसके आगे में बोट लिखा हुआ है। पहले से ही कंपनी अपनी वाटरमार्क लगा देती है। मॉडल की बात कर लेंगे तो बोट रॉकर्स, इसका नाम वैसे तो रॉकर्स है बट हम आगे में बोट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रॉकर्स 255 ब्लैक इसका नाम ही है, इसका जो मॉडल है वही है ये रॉकर्स 255 ब्लैक। आगे बढ़ लेते हैं गाइज, आते हैं कलर पे। तो गाइज अकॉर्डिंग टू मीवी, अगर मीवी से इसकी कंपैरिजन करें तो मीवी से इसकी ज़्यादा कलर्स हैं इसमें, 7 कलर्स में आपको मिलते हैं गाइज, ब्लैक, येलो, ब्लू, नियॉन, ओशियन ब्लू, रेड और ग्रीन। बस इसमें इतने सारे कलर हैं, 7 कलर हैं, फिर भी मीवी में आपको 4 ही कलर मिलते हैं और इसमें आपको 7 कलर मिल रहे हैं गाइज। बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, तो इसमें ब्लूटूथ 4.1 की कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि अच्छी है। बैटरी इसकी 110 AAH है, मतलब ये भी बढ़िया वाली बैटरी बैकअप देता है, बट मीवी जैसे इसकी बैटरी नहीं है, उसका 120 है, इसका 110 है। अगर गाइस फीचर्स के बारे में हम बात ना करें तो ये तो बहुत अनहोनी वाली बात हो जाएगी। फीचर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं गाइस, नॉइस कैंसिलेशन, मैग्नेटिक ईयरबड और माइक्रोफोन। हाँ माइक्रोफोन तो होगा ही, ऑफकोर्स माइक्रोफोन सब ईयरफोन में होती है, मीवी में भी थी, इसमें भी है। तो उसमें मैं बोलना भूल गया कि मीवी में भी माइक्रोफोन है और इसमें भी माइक्रोफोन है। आप लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई साहब मीवी में माइक्रोफोन नहीं है, उसमें भी माइक्रोफोन है, इसमें भी माइक्रोफोन। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके कुछ डिफरेंस के बारे में, जो कि मैंने देखा और मैंने आप लोगों को बताने की सोची है। देखो यार, पहला डिफरेंस जो इसका है वो है कलर का। जहां आपको मीवी में 4 कलर मिल रहे होते हैं, वहीं आपको इसमें बोट रॉकर्स में 7 कलर मिल रहे होते हैं, 7 कलर मिल रहे होते हैं, और वहीं यार मीवी तो 4 कलर में निपट जाती है, जो कि पहला डिफरेंस है, जो कि इसको कुछ अलग बनाता है। और दूसरा जो है गाइस डिफरेंस वो है कनेक्टिविटी का। अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लें तो आपको जहां मीवी जो है आपको 5.0 की कनेक्टिविटी देता है, जो कि बहुत ज़्यादा है बोट रॉकर से, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी 4.1 है और इसकी कनेक्टिविटी 5 है, जो कि मैंने कहा कि दूर रेंज और
फास्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो है बूट रॉकेट उतनी ज़्यादा दूर रेंज और फास्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी वी। सो क्या थर्ड डिफरेंस है बैटरी का, थर्ड डिफरेंस जो है वो बड़ा वाला डिफरेंस है। बैटरी के बारे में बात करने गए तो मी वी का बैटरी बैकअप बैटरी है 120 AMAH और इसकी बैटरी है 110 AMAH। यार ये AMAH और MAH में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे पता है, बट यार कोई नहीं कंटिन्यू रखते हैं। तो इसमें 120 AMAH और उसमें 110 AMAH जो कि डिफरेंस है, मेवी इसमें भी विनर बनती है क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप ज़्यादा है। और गैस अगर आप मेवी थंडर को चार्ज करें तो वो आपको 2 घंटे लेगी पूरी की पूरी बैटरी चार्ज होने में, और साथ ही ये आपको 7 घंटे की बैटरी बैकअप दे देगी जो कि काफ़ी सही बात है। मैंने जैसा कहा था कि 7 घंटे के आसपास तो नहीं है, 7 घंटे देती है, 2 घंटे चार्ज करो 7 घंटे तक नॉनस्टॉप म्यूज़िक सुनो। और अगर हम बात कर ले बोट रॉकर्स की तो गाइस बोट रॉकर्स इससे बहुत आगे है क्योंकि बोट रॉकर्स जो गाइस वो चार्ज होने में मात्र 1.5 घंटे का समय लेता है और साथ ही आपको 8 घंटे की बहुत बड़ी बैटरी बैकअप देता है। तो यार इससे एक बात तो पता लग गई कि यार बैटरी बड़ी करने से आपका प्रोडक्ट बढ़िया नहीं हो जाता, यार बैटरी बड़ी करने से यार उसमें कुछ मटेरियल भी डालना पड़ता है उसमें, बस बैटरी बैकअप बैटरी बढ़ाने से उसमें कुछ नहीं होता। तो यार ये 120 AMAH जो है वो 7 घंटे चलती है, पर वो 110 AMAH बस 8 घंटे चल जाती है। यार बहुत बड़ा डिफरेंस है, फिर भी 1 घंटे का डिफरेंस भी होता है, यार बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, 1 घंटे में तो एक मूवी देख लेंगे। और गाइस जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मेरे पास एक शॉकिंग न्यूज़ है कि ये जो बोट है वो भी एक इंडियन ब्रांड है। आप लोगों को अभी तक पता नहीं होगा सर मेरे ख्याल से कि बोट एक इंडियन ब्रांड है, बट मैंने बता दिया कि बोट एक इंडियन ब्रांड और इसकी जो ओनर वो है समीर मेहता और अमन गुप्ता। इन दोनों ने मिलकर इस ब्रांड को 2016 में बनाया था जो कि बहुत अब तो बहुत बड़ी हो चुकी है। मुझे नहीं पता तब की कैसी हालत है बट अब बहुत बड़ी हो चुकी है ये ब्रांड। और साथ ही मेवी जो है वो भी एक इंडियन ब्रांड, जो कि आपको पता ही होगा कि मेवी एक इंडियन ब्रांड है और उसके ब्रांड अम्बेसडर कभी वन बम्बे बन चुके हैं, और अभी नहीं है फिलहाल, अभी तो वो मैंत्रा के हैं बट पहले वो थे और अभी भी मेवी के प्रोडक्ट के मतलब करते हैं। फिर इन दोनों ब्रांड की तो बात अलग है यार। देखो हम जो कंपेरिजन कर रहे थे वो हम कर रहे थे प्रोडक्ट के बीच में, हम ब्रांड के बीच में कंपेरिजन नहीं कर रहे थे कि हम इसमें मेवी वर्सेस बोट कर रहे थे कि बोट हार गया मेवी जीत गया, ऐसा नहीं होता, हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। तो यार हम अगर सिंपल वे में बात करें कि हमें इन दोनों प्रोडक्ट में कौन सी लेनी चाहिए, तो यार मेरे ख्याल से जैसा मुझे लगता है कि आपको इन दोनों में से यार मेवी लेना चाहिए क्योंकि मेवी ज़्यादा बेटर है। देखो यार अब अलग बात है कि ये इसमें कहा गया है, जैसा कि मैंने पढ़ा आर्टिकल वगैरह पढ़ा तो उसमें लिखा गया था कि ये बोट जो है वो कम बर्स देता है या फिर ऐसा वैसा करके, तो यार ऐसा मुझे बहुत गलत लगता है, ये मुझे नहीं लगता ये सही है। जहाँ तक मुझे देखो यार मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ, देखो मेरे पास भी बोट रॉकर्स है, ये बोट रॉकर्स ही है देख सकते हो, ये बिल्कुल ही देखो यार ये बोट रॉकर्स ही है, कोई इसमें नहीं देखो ये जो बोट का जो इसमें लोगों को सब लगाया, तो यार मैंने इसे यूज़ किया हुआ है और आई डोंट थिंक कि ये घटिया है किधर से भी, कहीं से भी ख़राब है। अब देखो दिल पे मत ले लेना मेवी के फैंस, बट ये बढ़िया है मेवी, देखो मेवी भी बढ़िया है, मैंने बोलता मेवी ख़राब है यार, बट हम दोनों कंपनी को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इंडियन है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मेरे को जैसा पता लगा मेरे को कहा गया कि ये जो बोट है वो कहीं कोरियन वोरियन से सप्लाई होती है, ऐसा नहीं है, ये इंडियन ब्रांड है और इस ब्रांड का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहे थे इंडिया में, तो उसी को रोकने के लिए कुछ हद तक रोकने के लिए बोट कंपनी का निर्माण किया गया इन दोनों के जरिए, ताकि इन दोनों ये कंपनी जो है कुछ ऐसे ईयरफोन्स बनाए जो कि चाइना को रोक सके। चाइना इतनी ज़्यादा बेच रही थी तभी उस समय, तो यार उसे रोकने के लिए बोट को बनाया गया और ये सक्सेसफुल भी हुआ, ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सेसफुल भी हुआ। हम बोलेंगे तो चाइना से बन के आता है, हाँ यार मीवी भी चाइना से ही बन के आता है, ज़्यादा उड़ो मत समझे, उड़ो मत, मीवी चाइना से ही बनती है, ये भी चाइना से बनता है, पहले बनता था कभी कभी, कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना से होती थी अब नहीं होती है, पहले होती थी अब नहीं होती है मीवी की भी और इसकी भी अब लेकिन नहीं होती है। तो यार वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना और साथ ही बेल आइकन को दबा के लेटेस्ट वीडियो को अपडेट होते रहना।